WWE, जहाँ पर कई रेसलर साथ हैं और कई रेसलर चाहते भी हैं, और कुछ रेसलर लोगों के जहन में रह जाते हैं। और WWE में ऐसे रेसलर्स भी है जिनसे पंगा लेना बेवकूफी साबित हो सकती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा WWE के कुछ ऐसे खतरनाक रेसलर जिनसे पंगा लेना बेवकूफी साबित हो सकती है। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके नेक काम फटाफट कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नंबर 10, द फिंड। सबके चाहते सुपरस्टार ब्रे वाइट का यू ही दुनिया से चले जाना काफी बड़ा शौक है। ब्रे वाइट भी किसी से कम नहीं थे। जब भी ब्रे वाइट के साथ कोई भी पंगा लेता तो वो काफी ज्यादा पछता था, क्योंकि ब्रे वाइट अचानक से आकर उस रेसलर की ऐसी धुलाई कर देते थे, उस रेसलर की छुट्टी कर देते थे। ब्रे वाइट से सभी लोग डरते थे, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक रेसलर थे और वो फिंड के गिमिक में आते थे तो वो काफी लोगों को डरा कर पसीने छुड़ा देते थे। नंबर 9, ट्रिपल एच। ट्रिपल एच WWE के पुराने रेसलरों में से एक है। ट्रिपल एच इसीलिए इतने खतरनाक रेसलर है क्योंकि जब भी उनसे कोई पंगा लेता था वो उसे काफी ज्यादा मारते थे, और ट्रिपल एच उनकी पेडिग्री मूव कहीं भी किसी रेसलर को दे देते थे। ट्रिपल एच ने कई रेसलर्स के ऊपर काफी बुरी तरीके से अटैक किया हुआ है। जो भी द गेम ट्रिपल एच से पंगा लेता है वो इतने जल्दी उन्हें नहीं छोड़ते। अगर ट्रिपल एच का सामने वाले रेसलर के साथ मैच होता है वो तब तक लड़ते हैं जब तक वो सामने वाला रेसलर अपनी हार नहीं मान लेता। ट्रिपल एच ने कई रेसलर के सर से खून भी निकाला है, और इसीलिए ट्रिपल एच काफी ज्यादा खतरनाक रेसलरों में से आते हैं। नंबर 8, द मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन। द मॉन्स्टर अमंग ब्रॉन स्ट्रोमन की बात करी जाए तो ये WWE के ताकतवर रेसलरों में से एक है। ब्रॉन स्ट्रोमन से अगर वो पंगा लेता है कोई तो यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन उन्हें छोड़ते नहीं है। ब्रॉन स्ट्रोमन इसीलिए इतने खतरनाक रेसलर है क्योंकि उनके ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि उन्होंने कई गाड़ियां पलटी हुई है WWE में। उनके ताकत से रिंग भी टूट चुका है WWE में, और कोई भी रेसलर ब्रॉन स्ट्रोमन से पंगा नहीं लेता क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन काफी ज्यादा खतरनाक रेसलर है। नंबर 7, द ग्रेट खली। इंडिया की शान द ग्रेट खली से पंगा लेना काफी ज्यादा महंगा पड़ता है कई रेसलर्स के लिए। ग्रेट खली वो रेसलर है वो कई रेसलर्स के पसीने छुड़ा चुके हैं, और वो एकमात्र ऐसे रेसलर है जिन्होंने अपने पहले मैच में ही अंडरटेकर जैसे सुपरस्टार को हराया है। खली वो रेसलर है जिन्होंने कई बड़े बड़े रेसलर्स को WWE में हराया हुआ है, एंड इसीलिए ग्रेट खली काफी ज्यादा खतरनाक रेसलरों में से आते हैं। नंबर 6, द लुनेटिक फ्रिंज डीन एम्ब्रोस। डीन एम्ब्रोस भी WWE के काफी खतरनाक रेसलरों में से एक है। अगर डीन एम्ब्रोस से कोई पंगा लेता है तो यहाँ पर डीन एम्ब्रोस उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ते, किसी भी वेपन से अटैक कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने ब्रॉक लेसनर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। जब डीन एम्ब्रोस को गुस्सा आ जाता है तो वो देखते नहीं कि सामने वाला कौन रेसलर है, वो उसके ऊपर भी हावी हो जाता है, इसीलिए डीन एम्ब्रोस इतने ज्यादा खतरनाक रेसलरों में से आते हैं। नंबर 5, द 16 टाइम चैंपियन जॉन सीना। जॉन सीना भी काफी पुराने रेसलरों में से आते हैं। जॉन सीना इतने ज्यादा खतरनाक रेसलर है, अगर जॉन सीना से कोई पंगा लेता है तो जॉन सीना तब तक मैच लड़ते हैं जब तक वो सामने वाला रेसलर पूरी तरीके से हार नहीं मान लेता। जॉन सीना इतने ज्यादा खतरनाक रेसलर है जिन्होंने कई बड़े बड़े सुपरस्टार को WWE में हराया हुआ है। ये इतने ज्यादा खतरनाक रेसलर है, ये रिंग में हार बिल्कुल भी नहीं मानते, इसलिए जॉन सीना खतरनाक रेसलरों में से आते हैं, और इसीलिए इनसे कोई पंगा भी नहीं लेता। नंबर 4, गोल्डबर्ग। अब इन जनाब की क्या बात करी जाए। गोल्डबर्ग WWE के वो रेसलर है जिनसे कई सारे सुपरस्टार डरकर भागते थे और आज भी डरते हैं। गोल्डबर्ग इतने ज्यादा खतरनाक रेसलर है जो कि उनकी स्पेयर मूव है जिस भी सुपरस्टार के ऊपर पड़ जाती थी वो बिल्कुल कुछ मिनटों के लिए तो वो यहाँ पर ही रिंग में सो जाता था। गोल्डबर्ग इतने ज्यादा खतरनाक है कि वो कहीं भी किधर भी कई सुपरस्टार्स को स्पेयर दे चुके हैं, और इसीलिए गोल्डबर्ग इतने ज्यादा खतरनाक रेसलरों में से आते हैं। नंबर 3, द अंडरटेकर। अब अंडरटेकर को आप गॉड ऑफ WWE भी कह सकते हो, क्योंकि अंडरटेकर इतने ज्यादा खतरनाक रेसलर है क्योंकि उनकी 21 रेसलमेनिया की स्ट्रीक थी, पूरे 21 रेसलमेनिया में उन्हें कोई नहीं हरा पाया है, और अंडरटेकर ऐसे रेसलर है जो कि कोई इनसे पंगा ले तो उन्हें कब्र तक पहुंचा देते थे, और अंडरटेकर इतने ज्यादा खतरनाक रेसलर है जो कि वो मरकर भी जिंदा हुए हैं WWE में, और इनसे पंगा लेने के लिए कई रेसलर्स डरते हैं और कई रेसलर इनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं, इसीलिए दी अंडरटेकर इतने ज्यादा खतरनाक है। नंबर 2, द ट्राइबल चीफ एंड हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस। अगर रोमन रेंस से कोई पंगा लेता है तो उनकी बेवकूफी साबित हो सकती है, क्योंकि रोमन रेंस ऐसे रेसलर है जिनसे कोई पंगा ले तो रोमन रेंस उन्हें तक नहीं छोड़ते जब तक कि वो रेसलर अपने घुटने ना टेक दे, और रोमन रेंस सामने वाले रेसलर को इतना मारते है ताकि वो रेसलर दूसरी बार इनसे पंगा ना ले, और इसीलिए रोमन रेंस इतने ज्यादा खतरनाक रेसलर है। नंबर 1, यानी हमारे द बीस्ट थिंकर एंड ब्रॉक लेसनर।
ब्रॉक लेसनर को द बीस्ट नाम यूं ही नहीं मिला है, वो उतने ज्यादा खतरनाक रेसलर भी है। ब्रॉक लेसनर से कोई पंगा लेने से पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर वो रेसलर है, अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो वो सामने वाले रेसलर का खून निकाले बिना तो मानते ही नहीं है। और इनका गुस्सा इतना ज्यादा है कि वो कभी कभी लगता है कि सामने वाले रेसलर को वो मार ही देंगे। और इनके नमूने तो हमने कई बार देखे हुए हैं, जब भी एक अकेले ब्रॉक लेसनर को रोकने के लिए कई सारे सुपरस्टार्स और सिक्योरिटीज आ जाते हैं, और ब्रॉक लेसनर इतने ज्यादा खतरनाक रेसलर है कि वो एक यूएफसी बैकग्राउंड से भी आते हैं, और इसीलिए कोई रेसलर इनसे पंगा बिल्कुल भी नहीं लेता। तो फ्रेंड्स, ये थे ऐसे रेसलर जिनसे पंगा लेना बेवकूफी साबित हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताएं, जरूर इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना जरूरी है और बेल आइकन को हिट करिए, भले उसे F5 मारिए या फिर स्पेयर क्लिक हो जाना चाहिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब तक लेते हैं, गुड बाय।